टाइम क्या हुआ होगा? सुबह होने वाली है, तेरे उठने का इंतजार थोड़ी करेगी सुबह। तू भी ज्यादा पीने लगा है आजकल, टाइम का काम का किसी को कुछ पता ही नहीं चलता तुझे। चल उठ। आज तेरी गिनती खत्म। अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता है क्या? मारेगा टक्कर। माचिस भी देना। कसम उस तरह की, एक बात बोलूं? बोल। 10 साल हो गए इन शहर वालों की सेवा बनाते हुए, सारे दादों को जानता हूं। फिर वैसे तेरी बात कुछ और है, अगर तू चाहे ना। बस बस बस, आगे बोला ना,
तो टक्कर मार के ना सर फाड़ दूंगा तेरा। ज्यादा बातें मत बना, हजा मत बना। कोई है जिसे मैं टक्कर मारूं? कोई है? आप तीन में एक से चार क्या लिखा? तू जान रख कि आखिरी जमाने में खतरनाक दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोज, लाफजन, मगरूर, कुफर, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, शरीर, बेदर्द, बदनुमान, मुफ्तरी, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, बेहया, घुमंडी, ऐश दोस्त, न के खुदा दोस्त। तू जान रख कि आखिरी जमाने में खतरनाक दिन आएंगे। आज चर्च में फादर इस टिन की तरह बज रहा था। अरे टिन की तरह नहीं बजेगा तो कमाई कैसे होगी? बार बार रोटी, आजादी और कल्चर की बात कर रहा था साला। यार ये आजादी और रोटी तो समझ में आती है, पर क्या बोलता था वो बार बार? हाँ कल्चर, यार ये क्या भला है? होगा कोई मीठा केक? चल उसे बचाते हैं। हमें क्या? अरे वो नहीं जाना चाहती, वो जबरदस्ती कर रहे हैं साले। अबे ये बड़ा शहर है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। चल चल ना। कौन थे ये? एक तो सगा भाई था। है? भाई? हाँ, बेच रहा था मुझे गुंडों के हाथ। कितने में? 3,000 में। फिर? मैं मानी नहीं। क्यों? मैंने कहा मुझे 6,000 चाहिए। वो क्यों? 3,000 तो भाई ले जाता, मुझे क्या मिलता? सुनो, जो चीज बेची जाती है उसे क्या मिलता है? जो आदमी 8 आने का खारा बिस्किट खरीदता है उसे 8 आने के बदले मिलता है सिर्फ 1 खारा बिस्किट। दुकानदार 8 आने ले लेता है, लेकिन खारा बिस्किट को क्या मिलता है? हैं? ठेंगा? हैं? मैं खारा बिस्किट नहीं हूं।
देखने में तो एकदम खारा बिस्किट लगती है। चल जाना दफा। भूख लगी है। इधर आ। बैठिए। या। तो जा फिर दफा। नहीं हाँ ठीक है। ठीक है। तू बैठ मैं आता हूँ अभी। बैठ। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही खाता हूँ। तुम्हें भी भूख बहुत लगती है? बहुत। वो तुम्हारा नाम क्या है? हम आज कहीं दिल को बैठे, हम आज कहीं। खाओ खाओ ना खाओ। सुरैया यानी सुजैन। मैं दानी। दानी मतलब दानिश। डैनियल। हर दम जो कोई पास आने लगा, हर दम जो कोई भेदुलपत के सम। वो सेठ, आपने बोला था कि किचन के काम के लिए किसी औरत की जरूरत है। कहा दोता? अब वो एक लड़की है काम वाली, अगर आप बोलो तो कल से उसको ले आओ। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। मेहरबानी।
किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का दम पर में कोई हो गया परवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आँसू आँखों में आँसू हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आँसू भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का भरते ही झलक जाए ना पैमाना किसी का दिलदार चलो चांद के पार चलो हम ही तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम ही तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो तुम बहुत अच्छी हो सोचना तुम भी खाओ ना चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम है तैयार चलो Oh,
ए, मुझे 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 ज्यादा खाना दो, ज्यादा। मुझे अब मत मारा करो। क्यों? बच्चा होने वाला है। बच्चा? हाँ। वो भी खाएगा? हमसे भी ज्यादा। देखो, पहले मैं एक थी, अब दो हूँ, तो जाहिर है मुझे खाना भी ज्यादा चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुमने भी कुछ नहीं खाया, तुम खाओ। अच्छा देखो ना, ये तुम खा लो, जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। हाँ? नहीं यार। क्यों, पीना छोड़ दी क्या? हाँ। क्यों भाई? बच्चे को खाना चाहिए, कपड़ा भी। बच्चा, खाना, पता नहीं क्या बोल रहा है। सुरैया माँ बनने वाली है। ओहो। सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा बचत करूँ। अच्छा, और क्या सोचते हो? मुझे बचपन का कोई ऐसा दिन याद नहीं जब मैं भूखा नहीं रहा। और मुझे कोई ऐसी रात याद नहीं जब खाना चोरी करने के इल्जाम में मेरी पिटाई ना हुई हो। लेकिन हमारा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उसके पास सब कुछ होगा। हाँ, खाने को रोटी, तन ढकने को कपड़ा, और रहने को घर। घर? हाँ, अपने बच्चे को घर नहीं दोगे? हमारी तरह वो भी क्या फुटपाथ पे रहेगा? लेकिन घर कैसे मिल सकता है? मैंने सब मालूम कर लिया है। चर्च के पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें 4, 3, 2 और 1 कमरे के फ्लैट होंगे। हाँ, एक कमरे का जो फ्लैट है उसका किराया 500 और पगड़ी 10,000 रुपए होगी। 10,000? अगर अगर वो आएंगे कहां से? सेठ मुझे 1,000 रुपए देता है, ठीक है, तुम्हें 1,500 रुपए देता है। अगर हम हर महीने 1,000 रुपए बचाएं, हम 1 साल में फ्लैट ले लेंगे।
मैं रात को एक चायखाने में काम करूंगा, कम से कम 400-500 तो मिल ही जाएंगे ना। फिर तो हम बहुत जल्दी फ्लैट ले लेंगे। अगर सेठ कुछ रकम उधार दे दे तो हो सकता है हमारा बच्चा अपने घर में पैदा हो। फादर दुनिया में अमन की बात करता था। लेकिन मेरे पेट भूख से जंग लगती है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं, मेरा बाप भी जानता था, मेरी माँ भी और मेरी बहनें भी। जितना करीब का रिश्ता हमारा भूख से रहा है, किसी और से नहीं रहा। सुनो, मेरा बच्चा तो भूखा नहीं रहेगा ना? नहीं, कभी नहीं। सेठ, कुछ पैसा उधार चाहिए। तेरे को तनख्वाह जो देता हूँ वो बहुत है। एतबार नहीं है मेरे ऊपर। अरे एतबार है, लेकिन उधार नहीं दूंगा। अच्छा बता, तू पैसों का क्या करेगा? बच्चे के लिए घर बनाओ। क्या बच्चे के लिए घर बनाएगा? अच्छा कितना पैसा चाहिए? 10,000। 10,000? दानी क्या? चल बेटा, चल तू, चल ना, मैं आ रहा हूँ। चल ना। ओहो क्या है? अच्छा पास है, चल। सेठ मैं अभी आता हूँ, मैं आता हूँ। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है तू? हाँ क्या हुआ, क्या? कोई बताता क्यों नहीं क्या हुआ? गाड़ी क्या, क्या हुआ, क्या? हटो, छोड़ो, छोड़ो मत, छोड़ो, बता। किसने मारा इसे?
किसने मारा? ईंटें तो उसके पास वही तीन थी, मगर घर का नक्शा हर रोज बदलता था। वो 50 मंजिल का महल, वो सब कुछ इस घर में मौजूद था जो गरीब लोग फिल्मों में देखते हैं और अमीर लोग अपने घरों पर रखते हैं। तो 7 बच्चे हैं और हम सब फुटपाथ पे सोए हैं। हाँ, तुम्हें ना, तुम्हें 7 कमरे वाला फ्लैट मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, फिर हम तेरे पास कब आवे भाई? कल, कल ना सुरैया अपने मैके से वापस आ जाएगी, फिर मैं इसके इसके घर के दरवाजे सब पे खोल दूंगा। हाँ, बैंड बाजा बजेगा, रंग बिरंगी झंडियां होंगी और मैं फादर को मुहूर्त के लिए बुलाऊंगा। वो बाइबल पढ़कर सबको सुनाएगा। गिरजे में घंटे बजेंगे, टन टन टन।
गिरजा खोल दो और घंटे बजाओ। देखो यीशु मसीह जा रहा है अपने सीने पर ईंटों की सलीब लिए हुए। अब जन्नत के दरवाजे गरीबों के लिए खुल गए हैं, क्योंकि एक ऊंट सुई के नाके से नहीं गुजर सकता, लेकिन अमीर कानून के हर नाके से गुजर सकता है। और अब इस धरती के मालिक गरीब होंगे।